राजस्थान में विधानसभा चुनाव चरम पर है। चुनाव को लेकर सभी पार्टियों की तैयारियां लगातार जारी है। सभी पार्टियां चुनाव जीतने के लिए अपना पूरा जोर लगा रही है, लेकिन चुनाव से पहले पार्टियों के अंदर ही कलह का माहौल है। चुनाव में कई नेताओं को टिकट नहीं मिलने से नाराज नेताओं ने पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ने का ऐलान भी कर दिया था। अब वहीं ऐसा करने वाले नेताओं के खिलाफ कांग्रेस और बीजेपी ने सख्त कदम उठाए। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 के दौरान पार्टी के खिलाफ जाकर चुनाव लड़ने वाले और अन्य प्रत्याशियों का समर्थन करने वालों के खिलाफ बीजेपी और कांग्रेस ने सख्त रुख अख्तियार किया है। बीजेपी की अनुशासन समिति ने 40 और कांग्रेस ने 50 से ज्यादा नेताओं को पार्टी से निष्कासित कर दिया। आपको बता दें, पार्टी से निकाले गए नेताओं में कई बड़े दिग्गज नेता हैं। इनमें मौजूदा विधायक, पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री तक शामिल हैं। बीजेपी नेताओं का साफ कहना है कि निष्कासित किए गए नेताओं को हमेशा के लिए पार्टी से बाहर कर दिया गया है। चलिए जानते हैं बीजेपी ने किन किन नेताओं को निष्कासित किया है। भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व मंत्री यूनुस खान को पार्टी से निष्कासित कर दिया। आपको बता दें, यूनुस खान बीजेपी के दिग्गज नेता थे और वे एक समय में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के ट्रिबल शूटर्स में सबसे पहले नंबर पर थे। आपको ये भी बता दें कि पिछले चुनाव में बीजेपी ने सिर्फ एक मुस्लिम प्रत्याशी को टिकट दिया था, वो थे यूनुस खान, लेकिन पार्टी ने इस बार उनका टिकट काट दिया, जिसके बाद टिकट नहीं मिलने से खफा बीजेपी के बड़े मुस्लिम चेहरे यूनुस खान ने पार्टी को छोड़ने का ऐलान कर दिया। और इसके साथ ही यूनुस खान ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का भी ऐलान कर दिया। चित्तौड़गढ़ मौजूदा विधायक चंद्रभान सिंह आक्या बीजेपी के दिग्गज नेता हैं, लेकिन पार्टी ने उन्हें निष्कासित कर दिया। वे पार्टी के दिग्गज नेता हैं, लेकिन इस बार उन्हें पार्टी से टिकट नहीं मिलने पर उन्होंने पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था और निर्दलीय चुनाव लड़ने का भी ऐलान कर दिया था और निर्दलीय चुनाव के लिए नामांकन तक दाखिल कर दिया, जिसके बाद पार्टी ने उन्हें निष्कासित कर दिया। युवा नेता रविंद्र सिंह भाटी ने पिछले महीने ही इस शर्त पर बीजेपी ज्वाइन की थी कि उन्हें सिर्फ से टिकट मिलेगा, लेकिन टिकट नहीं मिलने की वजह से उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया। निर्दलीय चुनाव के लिए उन्होंने नामांकन दाखिल किया, जिसके बाद पार्टी ने उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया। इनके अलावा बंशीधर बाजिया, जीवाराम चौधरी, राजेंद्र भादु, पूर्व विधायक भवानी सिंह राजावत, आशा मीना, शिमला बावरी, राजेंद्र बांबू, जितेंद्र मीना, मुकेश गोयल, दिनेश बड़ाला, पवनी मेघवाल, कैलाश मेघवाल, अशोक सिंह रावत, दिनेश बुनकर, महेंद्र सिंह रावत और इंदर सिंह बागावास, प्रियंका चौधरी, रामचंद्र सुनारीवाल, सीएल सैनी, गोपाल भाई, ज्ञानचंद सारस्वत, कुंदन वैष्णव, पूर्व विधायक किसाना राम नाई, पूर्व महामंत्री नितिन नाई, पूर्व पार्षद आशीष जाड़ीवाल, महिला मोर्चा की पूर्व महामंत्री विमला उपाध्याय, पवन मेघवाल, सीकर के उप जिला प्रमुख ताराचंद घायल सहित एक दर्जन अन्य नेताओं को पार्टी ने निष्कासित कर दिया है। अब जानते हैं कांग्रेस ने किन 50 नेताओं को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया है। कांग्रेस के मौजूद विधायक जौहरीलाल मीणा कांग्रेस के लोकप्रिय नेताओं में से एक है, लेकिन पार्टी ने इस बार उनका टिकट काट दिया, जिसके बाद उन्होंने राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ सीट से कांग्रेस पर टिकट बेचने का आरोप लगाया था, जिसके बाद जौहरीलाल मीणा ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर निर्दलीय चुनाव के लिए नामांकन दाखिल कर दिया था, जिसके बाद कांग्रेस ने उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया। सिटिंग विधायक खिलाड़ी लाल बैरवा को कांग्रेस ने इस बार टिकट नहीं दिया। पार्टी ने उनकी जगह इस सीट से संजय जाटव को उम्मीदवार बनाया, जिसके बाद खिलाड़ी लाल बैरवा ने राज्य अनुसूचित जाति आयोग के पद से इस्तीफा दे दिया और उसी सीट पर नामांकन भर दिया, जिसके बाद कांग्रेस ने पार्टी से उन्हें निष्कासित कर दिया। नरेश कुमार मीणा कांग्रेस के लोकप्रिय नेताओं में से एक हैं, लेकिन पार्टी ने इस बार विधानसभा चुनाव में उन्हें टिकट नहीं दिया, जिसके बाद नरेश कुमार मीणा ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर निर्दलीय चुनाव के लिए नामांकन दाखिल कर दिया था, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी ने उन्हें निष्कासित कर दिया। कांग्रेस ने इनके अलावा राहुल कुमार मीणा, शीला मीणा, डॉक्टर श्री गोपाल बाहेती, करुणा, अशोक चांडक, डॉक्टर गोविंद शर्मा, ओम बिश्नोई, सुनील परिहार, राकेश बोयर, डॉक्टर अजीजुद्दीन आजाद, गोपाल गुर्जर, पूर्व विधायक हबीबुर रहमान अशरफी, फतेह खान, राजकरण चौधरी, कैलाश मीणा, देवरान रोत, महेंद्र बरजोड़, वीरेंद्र बैनीवाल, रामचंद्र सराधना, भीम गुर्जर, सुरज्ञान सिंह घोसलिया, हरिकिशन तिवारी, राघव राम मीणा, कल्पना राम निवास गोयल, रामलाल मेघवाल, विशेष कुमार मीणा, पन्नालाल डोडियार, बलराम यादव, गणेश राजबंसल, डॉक्टर शमशेर अली सैयद, अंजलि यादव, सिमरत संधु, मोनू सैनी, सत्यनारायण बिश्नोई, वाजिद खान, रेवत राम पवार, लच्छाराम बढ़ारडा,
डॉक्टर अजय त्रिवेदी, उमर दराज, डॉक्टर विक्रम सिंह गुर्जर, अशोक खांडप्पा मेघवाल, ब्रजेश यादव, आनंदी राम खटीक, डॉक्टर परम नवदीप सिंह, महेश मोरदिया और प्रहलाद नारायण बैरवा सहित अन्य नेताओं को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियों ने चुनाव से पहले बड़ा एक्शन ले लिया है। उन्होंने कई नेताओं को पार्टी से निष्कासित तो कर दिया है, लेकिन इसका चुनाव पर क्या असर पड़ेगा ये तो आने वाला 3 दिसंबर ही तय करेगा, क्योंकि 3 दिसंबर को चुनाव के परिणाम घोषित हो जाएंगे। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। नमस्कार।